नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम बताइए। जी पी अंजन है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हरदा के रहने वाले जी। और आपको क्या बीमारी है? सर डॉक्टर ने अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया था जी, MRI टेस्ट लिखा जी, उसमें सर डिक्लेयर बताया उनने कि मोटर न्यूरॉन डिसीज जी। MRI के अलावा और भी कोई जांच कराई आपने? सर EMG टेस्ट करा। EMG NCV टेस्ट कराए थे जी सर, उसमें भी मोटर न्यूरॉन कंफर्म किया जी है। जी। आपको हाथ थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखाइए आप जी सर। आपको सिर्फ दाहिने हाथ में तकलीफ है? यस सर दाहिने हाथ जी। और थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए बस सर, जितना तक। अच्छा, आप दूसरे हाथ के सपोर्ट से इसको ऊपर ले जाके बताइए। एकदम ऊपर तक ले जाइए और ले जाइए। अब जरा दूसरा सपोर्ट छोड़ दीजिए। यस। अब उसको धीरे धीरे नीचे लाइए, जितना रोक के ला सकते हैं सर। जैसे हाँ एकदम से, हाँ 90 डिग्री पे एकदम से नीचे गिरेगा, यहाँ से सर नीचे गिरेगा। ये आपका बायां हाथ भी उठा के दिखाइए एक बार जी। इसमें MND की तकलीफ थोड़ी सी कम है पर इसमें लहरें चलती हैं जी। ये जो चल रही है, हाथ से बताइए। ये जो चल रही लहर, छोड़ दीजिए हाथ उठा दीजिए। अब ये दर्द करने लगा सर। दर्द करने लगा जी। और ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए इसको, और उठाइए ऊपर तक ले जाइए, और ले जाइए ऊपर तक, वापस नीचे लाइए धीरे 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 धीरे। वो जो लहर है एक बार और लीजिए। अब ये दर्द करने लगा, बस कर रहा ये भी बस एकदम से नीचे आ गया जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको डॉक्टर तोमर की दवा लेते हुए कितना समय हो गया? सर 1 माह पूरा हो गया। 1 माह? दूसरे माह के लिए दवाई लेने आ रहा हूँ जी। इस 1 माह में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है? सर अभी 1 माह में मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पहले की अपेक्षा जी, अभी हाथ जो राइट हैंड है उसमें कुछ ताकत महसूस कर रहा हूँ जी। लेफ्ट हैंड में भी जो हाथ लंबे करने से कुछ नसें ऐसी लहराती हुई नजर आती थी जी, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जब लहरें कुछ कम हो रही है धीरे धीरे। और क्या क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं पहले से? दूसरा ये है कि सर जो मेरे को ये बैक साइड में और ये गर्दन के पास भी जो कभी कभी पेन होता था जी, तो सर वो चिट 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 जैसे करता रहता था, वो अब बंद हो गया है। और पहले से आप काफ़ी अच्छा महसूस? पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले काफ़ी ये हाथ भी लटकता था, उसमें भी अभी थोड़ा सा ताकत महसूस कर रहा हूँ जी। एक बार हाथ उठा के दिखाइए, दूसरे हाथ के सपोर्ट से इसको ऊपर ले जाइए पहले एक बार। और ऊपर ले जाइए। अब उसको धीरे धीरे नीचे लेके आइए। यहाँ से उठ गया। अब फोल्ड करके उठाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये सपोर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ ले जाइए ऊपर। अब हाँ यहाँ से ऊपर सीधा कीजिए। बहुत बढ़िया। जो इसको वापस नीचे ले आइए। और आपका जो दूसरे हाथ में हम लोगों ने पहले लहरें चलती हुई देखी थी वो दिखाइए। अब इसमें लहरें नहीं चल रही हैं, काफ़ी कम हो गई। कम हो गई। और पहले से आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपका मोटर न्यूरॉन डिजीज पहले से कम हो रहा है? हाँ सर ऐसा महसूस हो रहा है कि कम हो रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको डॉक्टर तोमर की दवा लेते हुए कितना समय हो गया? डॉक्टर तोमर की दवा लेते हुए 3 महीने पूरे हो गए जी। 4th महीने के लिए मैं दवाई लेना। ठीक है, अब आप पहले से कैसा महसूस कर रहे हैं? सर पहले से काफ़ी सुधार लग रहा है मेरे को जी। किन किन चीज़ों में सुधार लग रहा है थोड़ा सा बताइए। पहले सर क्या था कि ये जो मेरा हाथ था, एक बार हाथ उठा के दिखाइए ऊपर तक जी। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट लगा के सर पूरा। अब सीधा करके धीरे धीरे नीचे लाइए, सीधा कर हाँ और लाइए नीचे। ठीक है, एक बार फिर से ले जाइए ऊपर। हाँ हाथ सीधा करके पूरा सीधा सीधा नीचे। हाँ होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, और पी लिए और कीजिए। वेरी गुड। ठीक है, जो दूसरे हाथ में इसमें आपको पहले से अच्छा लग रहा है? हाँ सर इसमें भी मेरे को सुधार लग रहा है। जो फेसिकुलेशन होते थे लहरें चलती थी, थोड़ी सी लहरें ये हाथ में चल रही थी जी, अब ये इसमें भी सुधार लग रहा है। और ये थोड़ा सा इसमें ताकत आ रही है, पावर आ रहा है इसमें।
और दाहिने हाथ में भी आपको पहले से पावर महसूस हो रही है? हाँ सर, पहले से। और जो आपको कंधे में गड्ढा हो गया था? हाँ सर, ये जो गड्ढा हो गया था इसमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ये गैप इम्प्रूवमेंट आ रहा है। गैप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एक बार थोड़ा सा घूम जाइए, पहले से ये गड्ढा भर गया है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंजन साहब।